देश में समय के साथ साथ मौसम भले ही बदल रहा हो, लेकिन राफेल डील को लेकर राहुल गांधी के सुर बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात अलग है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं है कि राफेल डील में घोटाला नहीं हुआ। संसद से सड़क तक, देश से विदेश तक, हर जगह जहां भी मौका मिला हर समय राफेल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। शायद यही वजह है कि खुद जनता भी अब कांग्रेस के राफेल राग पर भरोसा नहीं कर रही है और खुद मोदी सरकार के बचाव में उतरने लगी है। फिलहाल हाल ही में गुजरात में हुई एक शादी तो यही बता रही है। सूरत में हुई इस शादी की चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर पीएम मोदी के कार्यालय तक हो रही है, जिसकी वजह है राफेल। दरअसल 22 जनवरी को ही सूरत में युवराज पोखरण और साक्षी अग्रवाल की शादी थी, जिसके लिए उन्होंने शादी का कार्ड भी छपवाया था, जो इन दिनों वायरल हो रहा है। आमतौर पर शादी के कार्ड पर भगवान गणेश की तस्वीरें होती हैं, लेकिन युवराज और साक्षी की शादी के कार्ड पर 9 पॉइंट में राफेल डील से जुड़ी जानकारी दी गई थी, जिसकी वजह से ये कार्ड सुर्खियों में छाया हुआ है। पेशे से इंजीनियर युवराज और साक्षी को लगता है कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने इसकी जानकारी शादी के कार्ड पर छापते हुए लिखा है कि मोदी पर विश्वास करें, एक सामान्य एयरक्राफ्ट की तुलना हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट से करना मूर्खता है। ऑफसेट ठेका 72 कंपनियों को दिया गया है, जिनमें DRDO, टाटा, महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो, गोदरेज समेत कई कंपनियां शामिल हैं। इनमें HAL भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावों को भी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया है। कार्ड में अपील की गई है कि उन्हें शादी के गिफ्ट के रूप में पीएम मोदी के लिए वोट चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आप नमो ऐप के जरिए बीजेपी को दान दीजिए, यही हमारा गिफ्ट होगा। युवराज और साक्षी के इस कदम की पीएम मोदी ने भी तारीफ की है। पीएम कार्यालय की ओर से भेजे गए बधाई संदेश में पीएम मोदी ने लिखा है कि युवराज और साक्षी की शादी की खुशी के अवसर पर पोखरण परिवार को हार्दिक बधाई। मेहमानों को भेजे गए शादी के निमंत्रण पत्र की एक अनूठी चीज पर मेरा ध्यान गया। इसकी सामग्री की सरलता राष्ट्र के प्रति आपकी चिंता और प्यार को दर्शाती है। इससे मुझे अपने देश के लिए और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। सुखी और समृद्ध जीवन के लिए दंपति को शुभकामनाएं और आशीर्वाद। युवराज पोखरण का हालांकि कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन युवराज और साक्षी दोनों ही पीएम मोदी को पसंद करते हैं। आपको बता दें कि राफेल डील के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर वार पलटवार होता रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि ये डील 1,30,00,000 की है, तो वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने यह साफ करते हुए कहा था कि ये डील महज 58,000 करोड़ की है।